नमस्ते साथियों, आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर मैं अभिनव सरोवा व्याख्याता हिंदी साहित्य हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम वार्षिक और मासिक अध्ययन अध्यापन योजना सत्र 2023 कक्षा 12 विषय हिंदी के विषय में बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें योजना बनानी है। सबसे पहले अब यहाँ पर आप जो देखेंगे उसे एक या दो पेज में लिखकर और अपने डायरी में चस्पा कर सकते हैं। उसके पश्चात विषयवार और कालांशवार, कितने कालांश किसी एक अधिगम क्षेत्र को वितरण कर सकते हैं, इस प्रकार से डायरी का पूरा प्रारूप आपके समक्ष उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास रहेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ देखते हैं सबसे पहले कि सत्र 2023-24 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य के जो बोर्ड का पैटर्न है उसे कुल मिलाकर 5 खंडों में विभाजित किया पूरे सिलेबस को। पहला एक है जैसे आरोह है, भाग 2 मुख्य पाठ्यपुस्तक जिसका अंक भार 32 है, वितान पूरक पाठ्यपुस्तक अंक भार 12 है, अपठित बोध 12 है, 6+6, रचनात्मक लेखन 16 अंक और व्यावहारिक व्याकरण से 8 अंक के प्रश्न किए जाएंगे। यहां देखते हैं हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे कि कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य के पाठ्यक्रम को कुल 5 खंडों में विभक्त किया गया है। इनमें आरोह 2 के रूप में मुख्य पाठ्यपुस्तक और वितान 2 के रूप में पूरक पाठ्यपुस्तक को शामिल किया गया है। आरोह 2 को भी गद्य और पद्य 2 खंडों में विभाजित किया गया है। पुस्तक को सरल से कठिन के सामान्य शिक्षण एवं अधिगम नियम पर तैयार किया गया है। पद्य खंड में हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं से परिचित करवाने हेतु गुजराती और उर्दू कवियों की रचनाओं को भी शामिल किया गया है। कुल 10 कवियों की विभिन्न भावबोध, देशकाल और भाषा शिल्प वाली रचनाएं बच्चों को देश दुनिया व परिवेश से परिचित करवाते हैं। इससे शिक्षार्थी हिंदी से इतर अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति रुचि जागृत कर भारत के बहुभाषी और बहुलतावादी रूप के प्रति सहिष्णु बन सकेंगे। गद्य खंड में 8 लेखकों की रचनाओं को शामिल किया गया है जो नारी विमर्श, आर्थिक चिंतन, दलित विमर्श, संस्कृति और विज्ञान, पर्यावरण और प्रकृति, लुप्त होती कलाओं, विभाजन की त्रासदी के बावजूद पारस्परिक प्रेम व फिल्मी चरित्र में व्याप्त आम आदमी की भूमिका पर केंद्रित है। यह खंड शिक्षार्थी को उसके परिवेश से जोड़ते हुए आगे बढ़ता है। इससे गुजरने के बाद शिक्षार्थी आधी आबादी के प्रति समानता के भाव विकसित कर सकेंगे। आधी आबादी से तात्पर्य है महिला विमर्श, महिलाओं के प्रति वे बाजार के छलावे से बच उसका सदुपयोग करना सीख सकेंगे, प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति सजग हो सकेंगे, विभाजन की त्रासदी और जन्मभूमि के प्रति अपनेपन को महसूस कर सकेंगे, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित आदर्श समाज की परिकल्पना को मूर्त रूप दे सकेंगे या ऐसे समाज की रचना में अपनी भूमिका की पहचान कर योगदान दे सकेंगे। पुस्तकों और पुस्तकालय के प्रति रुचि भी जागृत होगी। पूरक पुस्तक के रूप में शामिल की गई वितान 2 में बड़े आकार के 4 रचनाएं संकलित की गई हैं, जिनमें लंबी कहानी, आत्मकथांश, यात्रा वृतांत तथा डायरी लेखन शामिल हैं। इन्हें पढ़ने के बाद शिक्षार्थी मूल रचना को पढ़ने हेतु लालायित होंगे तथा स्वयं की जिंदगी के आम और खास पलों को शब्दबद्ध करने की चेष्टा कर सकेंगे। साथ ही यात्रा के अनुभव और दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को डायरी रूप दे सकेंगे। इन रचनाओं को पढ़कर धैर्य जैसे मानवीय गुणों को विकसित कर सकेंगे, क्योंकि ये लंबी रचनाएं हैं और इन रचनाओं को पढ़ने के लिए वास्तव में धैर्य की आवश्यकता है और ये धैर्य विकसित हो सकेगा। अपठित बोध अधिगम क्षेत्र के माध्यम से किसी कथन, बात या वक्तव्य का मूल भाव ग्रहण करने की अपनी क्षमता को विकसित कर सकेंगे। साथ ही न्यूनतम शब्दों के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने का हुनर हासिल कर सकेंगे। साहित्य के अनछुए पहलुओं का अध्ययन करने हेतु खुद को तैयार कर सकेंगे। तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट आता है रचनात्मक और व्यावहारिक लेखन के तहत कार्यालय और व्यावसायिक कार्यों के निष्पादन हेतु लिखे जाने वाले पत्रों और प्रारूपों की लेखन पद्धति और शैली, संरचना व
और तरीकों से परिचित होंगे। इसके अलावा अपने सामाजिक और मौलिक विचारों को धैर्य के साथ निबंधात्मक रूप में अभिव्यक्त करने की योग्यता हासिल कर सकेंगे, क्योंकि रचनात्मक और व्यावहारिक लेखन में ही निबंध ही शामिल है। भाषा, लिपि और व्याकरण प्रकरण के माध्यम से भाषा की परिभाषा, क्षेत्र, स्वरूप व प्रक्रिया, विकास प्रक्रिया को समझ सकेंगे कि भाषा किस प्रकार से विकसित होकर वर्तमान स्वरूप धारण करती है। देवनागरी लिपि और उसके प्रतीक चिन्हों व स्वरूपों के विषय में अपनी समझ और जानकारी दुरुस्त कर सकेंगे। शब्द के प्रयोग, प्रभाव व चमत्कार को शब्द शक्ति प्रकरण के अंतर्गत समझ सकेंगे। काव्य की श्रृंगारिकता, लोच, लचक व तासीर को अलंकार प्रकरण के माध्यम से जानेंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक के अध्ययन बिंदुओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लेखन और मीडिया के जरिए देश दुनिया से जुड़ सकेंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम वाला जो प्रकरण है वह रचनात्मक और व्यावहारिक लेखन से लिया गया है। मीडिया की कार्यशैली, उत्तरदायित्व व सीमाओं से परिचित हो सकेंगे तथा आम आदमी की मीडिया से अपेक्षाओं को सूचीबद्ध कर सकेंगे कि आम आदमी मीडिया से क्या चाहता है। इसी पुस्तक के एक खंड के जरिए सृजनात्मक लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त कर अपने विषय से जोड़ते हुए परिवेश में उपलब्ध साहित्यिक सामग्री का अन्य माध्यमों के लिए रूपांतरण करने का कौशल हासिल कर सकेंगे। इन क्रियात्मक गतिविधियों से अधिगम प्रक्रिया सजीव और निरंतर नूतन रूप में उपस्थित हो सकेगी। उक्त अधिगम क्षेत्रों में लक्षित की गई उपलब्धियों को हासिल या प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन काम में लिए जाएंगे। इनमें सक्रिय अध्यापन, मतलब क्रियाशील रहकर हम अध्यापन करवाएंगे, शिक्षार्थियों की सहभागिता, पुस्तकालय एवं संदर्भ पुस्तकों या लेखों का उपयोग, इंटरनेट तथा आईसीटी लैब का सम्यक उपयोग मुख्य है। घर परिवार, समाज और परिवेश से जोड़ते हुए अध्ययन अध्यापन करवाया जाएगा ताकि अधिगम स्थायी और सदुपयोगी हो सके। साथ ही अन्य शिक्षण अधिगम संसाधनों, खेलों और विभिन्न कौशलों का प्रयोग भी शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को हासिल करने में किया जाएगा। और हम आपके साथ ही अभिनव सरोवा, व्याख्याता, हिंदी साहित्य, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। चलिए आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।